स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ। मैं हूँ नगमा खान। वादा जिसकी ज़िंदगी में पूरा हो जाता है वो तो अपने खुशियों से अपने दामन को भर लेता है, लेकिन एक वादा ऐसा भी होता है जिस वादे को पूरा ना होने से ज़िंदगी तबाह हो जाती है। उनकी ज़िंदगियों में इस तरीका का अंधेरा आ जाता है कि वो फिर ज़िंदगी भर के लिए शायद कभी नहीं जाता। आज हम कुछ ऐसे ही लोगों से आपको बात कराएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि परेशानियाँ आदमी कितनी बर्दाश्त कर सकता है। तो चलिए चलते हैं कुछ लोगों से रूबरू होने। 18 महीने का एग्रीमेंट बनाकर काश्मीरा के डोंगरी से लगभग 2500 लोगों को जनता नगर में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसे अब शिफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या हाल है यहाँ का आप खुद ही देख सकते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए आप कि पानी पूरी तरह से जोरों पर है, और यहाँ पर मैं अपना बता रही हूँ कि मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही हूँ। यहाँ पर कुछ जिंदगियाँ कई वर्षों से बस रही हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग कैसे यहाँ पर आए इन्हीं की जुबानी। जी आपका नाम क्या है? संगीता शिंदे। संगीता जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर किस वजह से आई और कहाँ से यहाँ पर मैं आपको शिफ्ट किया। हम लोग काशीमीरा डोंगरी से आ गए। हम लोग को बोला कि यहाँ रूम मतलब डोंगरी पे दे देंगे फ्लैट का, 2 साल के लिए बात करके हम लोग को याद दिया है ऐसा। तो अभी 9 साल होने को आया, 9वां साल तो चालू है, अभी तक हमको दिया नहीं है। वहाँ पर आप खुद के मकान में रहती थी? हम लोग का खुद का मकान है। आपके जैसे कितने लोग हैं जिनको यहाँ पर शिफ्टिंग में शिफ्ट किया गया? होएगा 1200-1300 लोग हैं। सिर्फ एक यही शिफ्टिंग में? ये शिफ्टिंग में 800-900 होएगा ऐसा। ऐसे कितनी और शिफ्टिंग है ऐसा? उधर आटो में भी है, ये पहला वाला है। अभी ये जो आपके मकान है ये जो इतने छोटे हैं इसमें मतलब किस तरीके से आप लोग 9 वर्षों से रह रहे हैं? हम लोग कैसा रह रहे हैं उसमें ही गणपति बिठा रहे हैं, उसमें हम लोग सब फैमिली है, नातू है, बहू है, बच्चे हैं, उसमें 8-8, 10-10 जन हम लोग वही रूम में रहते हैं। हम लोग को सोने को भी तकलीफ होता है। आपका नाम क्या है? शारदा राकेश चौहान। शारदा जी मुझे ये बताइए कि इतने वर्ष हो गए थे जिसने भी ये मतलब कार्रवाई किसने की थी? नेता आए थे, नगर पालिका थी, क्या मतलब कौन आया था प्रशासन से कोई था? नगर पालिका के सब आया थे। उधर मैं 2 रूम बनाया गड्ढा गुड्ढी का, तो मेरे को 1 रूम दिया, तो उसने क्या बोला कि तुमको 2 साल के बाद तेरे को बिल्डिंग में इधर ही दूंगा, जहाँ जगह है तेरा उधर ही जगह में दूंगा। फिर इधर आके बोलता है कि अभी बहुत टाइम लगेगा, मेरा 4-5 बच्चे लोग है अपना है, इसके लिए मजदूरी बच्चे लोग को 3 साल से काम छोड़ दिया, बड़ा बड़ा हो गया। आप अकेले रहे? अभी इधर हस्बैंड अभी अभी क्या कैसा लग रहा है कि कितने वर्ष और अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा? अभी तो लग रहा है 4-5 वर्ष आ जाने वाले, जैसा लग रहा है। जब बोलते हैं बोलते 2 साल में दूंगा, कब दे देना। नेता वगैरह कोई कब आते हैं? नहीं, जब इलेक्शन के टाइम पे नेता आते हैं। आपका नाम क्या है? सरस्वती। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है और घर में कितने लोग हैं? बच्चे लोग दारू पीते हैं और नाटक करते रहते हैं। अभी बारिश में क्या क्या हाल है? बारिश में पानी भरना पड़ता डबे डबे से, ऊपर से पानी गिरता है, पंखे में पानी गिरता है। एक जो यहाँ पर टॉयलेट बनी हुई है तो एक घर के लिए कितने टॉयलेट है? बहुत गंदी है, दो है। गंदी रहते है, पूरा पूरा गंदा है, पूरा बाहर निकलता है, होल गिरा से लेडीज के बाथरूम के। यहाँ पर कोई देखने वाला कभी कोई आता नहीं है, तो जो लोगों ने आपको यहाँ शिफ्ट किया था तो अभी कितना बोल रही थी और लगेगा? कोई एनजीओ वगैरह भी नहीं आ रहे अभी? पहले तो बारिश से पहले लॉकडाउन चल रहा था 3 महीने का, उसमें आप लोग कैसे मतलब इतनी छोटी सी खोली में कैसे आपने गुजारा किया? अंदर ही रहते हैं, बाहर निकलने जगह ना, अंदर ही घर पे बैठ कर इंतजार किया, क्या करेगा, बाहर थोड़ा निकलता है फिर अंदर में रहता हूँ, फिर थोड़ा बाहर निकलता फिर अंदर रहता हूँ, किधर जाने का ना आने का। गर्मी था? गर्मी है, बहुत गर्मी के दिन बहुत गर्मी है।
बारिश के दिन में अंदर पानी भर भरता है, पूरा अंदर से पानी जाता है, कोई नहीं देखने, बटल भर जाता है वो पानी जाता है अंदर। टपुरी लोग भी है, क्या करेगा, बच्चे लोग बड़ा बड़ा हो गया, एक रूम में सोने में बंदा औरत मरद रहेगा, फिर बच्चे रहेगा बड़ा बड़ा, मालूम तो अभी क्या अपना घर पे छोड़ना पड़ता है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ देख रही हूँ, लोगों ने मास्क नहीं लगाया, क्यों मास्क लगाया भाई, पानी भरने टाइम पे रख दिया। कितनी बार पानी आता है, एक दिन में एक बार, सुबह से नहीं पड़े, सुबह आता था अभी शाम में कर। ऐसा कोई उम्मीद अभी ऐसी लग रही है कि एक साल में आ जाएगा या कोई ऐसा, और इसके खिलाफ क्या आप लोगों ने आवाज उठाई है या नहीं उठाई? उठाया था बहुत बार मगर कुछ हल नहीं। हमसे बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आपका नाम क्या? यूसुफ जी, मुझे ये बताइए कि जो इतनी आज अभी बारिश हो रही, उससे पहले लॉकडाउन था, तो लग रहा है कि इस परेशानी का कोई अंत होगा? इसका अंत तो हमारे बाद ही होना है, अभी इसका कोई अंत नहीं है। कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि मतलब 9 साल हो गए यहाँ पे? उम्मीद नहीं लग रही, क्यों कि हम लोग जो झेल रहे हैं ना, किसी ने अभी तक झेला नहीं है। हमारे पीछे से बिल्डिंग खड़ी हो गई, हमारा घर अभी तक उधर बना नहीं। जवाब में क्या बोलते हैं, बोलते यहीं मर जाओ, अपने पैसे के बल उतर जाओ, जीत जाते। आप इतने साल हो गए, इतने परिवार है यहाँ पर, इतनी शिफ्टिंग है यहाँ पर, ये हमारा सब एक परिवार है। मैं दिन रात यहाँ पे घूमता फिरता नजर आता हूँ, इतने अच्छे भी आए बुरे भी आए, लेकिन कोई किसी को नहीं पूछता, बाकी मैं जाता हूँ खड़ा हो जाता हूँ। अभी जगह जगह पानी भर रहा है, तो आपने इसकी कंप्लेन करी? ये क्या बोलते नगर पालिका वाले, मच्छर अपने घर के सामने पानी मत भरने दो, नाले साफ करो, देखो आपके सामने नजर आ रहा है। अभी तो उनको बोलना चाहिए था ना आपको कि आप इसमें दवा डलवाइए। कुछ नहीं, झाड़ू तक के नहीं लग रही अभी। कितने दिन में यहाँ पर साफ सफाई के लिए आते हैं? यहाँ आते रोज आते और चले जाते, अभी वो बेचारे लोग रोड का काम कर रहे हैं, आते जाते हैं। यहाँ अंदर कोई नहीं आता? अंदर आते और अपना खाना पीना खा के चले। टॉयलेट वगैरह कोई साफ नहीं कर रहा है? करते करते वो लोग करते। कितने दिन में आते? रोज रोज। और कुछ ऐसा आपको समझाने के लिए आए कि आप लोग थोड़ा दूर रहिए, डिस्टेंस रखिए? अभी तक कोई किसी को नहीं बोलता है मास्क के बारे में, अभी तक कोई किसी को सलाह नहीं दिया। अभी रफीक भाई ने बोले ना मास्क लगा के बात करो, बस कोई सर तो मालूम है कि हम मास्क लगा रही क्या। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया कि दवा वो लोग दे रहे थे अभी आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई दवा कोई नहीं आया इधर देने के लिए। यूसुफ जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस बस्ती में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा परेशानी हो रही होगी बच्चों को, जिनका अब स्कूल भी नहीं रहेगा। आइए हम जानते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल। जी, आपका नाम? तो जी मुझे ये बताइए कि बच्चे हैं आपके और यहाँ सब लोगों के, तो बड़ी जो स्कूलें हैं उनके लिए तो ऑनलाइन शुरू हो गया है, ऑनलाइन उन लोग एग्ज़ाम तक दे रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम? अभी क्या बोले मैडम, जो है ऐसा ऐसा यहाँ खाने का इंतजार है, मोबाइल में बोलते ऑनलाइन पढ़ाई होगा, मोबाइल भी नहीं है हमारे पास, बोलते बड़ी मोबाइल में ऑनलाइन से पढ़ो, बच्चे लोग को पढ़ाओ, मोबाइल लो बड़ा वाला, पास तो पैसा भी नहीं है खाने के लिए, क्या करूँ, कहाँ मोबाइल लाऊँ, बड़ी मोबाइल कहाँ से आएगा, जब खाने नहीं हो रहा मोबाइल कहाँ से आएगा, इतने पैसे भी नहीं है मोबाइल खरीद के लेकर सकते हैं। अच्छा, ये जो इतने छोटे छोटे से आप लोग के घर है, अभी ये तो ये सारे लोगों ने बताया था 18 महीने का एग्रीमेंट था, लेकिन 9 साल होने पर अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो अभी कुछ उम्मीद लग रही है आपको कि मतलब घर अभी हमको मिलेगा? जैसे 169 लोगों को घर अभी मिल चुका है, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की? हम लोग मोर्चा लेके जाते हैं, वही होता है कि कहाँ जाते हैं, नगर पालिका, भाईंदर नगर पालिका में जाते हैं मोर्चा लेके, 100-200 आदमी सब लोग जाते हैं मिलके, वही होता है कि मतलब अभी एक साल में देंगे, 2 साल में, 2 साल का एग्रीमेंट बनाए थे मगर 2 साल में नहीं दिए, 9 साल हो गया हम लोग को रहते रहे, 17 भी उड़ जाता है कभी, घर में पानी भी आता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नाला बन गया है, बच्चे लोग बह जाएंगे छोटे छोटे हमारे, क्या हम क्या कर सकते हैं। मीरा देवी यहाँ योजना है, मीरा देवी है कुछ बोलो,
तो बोलते हैं अपने हाथ से बांध लो, पन्नी डाले पन्नी उड़ गया, पत्रा उड़ गया, डिश उड़ गया, किसी की जान नहीं गई तो जान भी जा सकती थी, मूड़ पे गिर गए पत्रा भी, किसी के हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। अभी कितना बोले कितना कुछ करो, कुछ होता नहीं है, यहाँ सुनवाई ही नहीं होता हम लोग को। वो बोलते हैं अभी मिलेगा अभी अभी करके, अभी तलब कुछ कोई बताए नहीं। और खाने आने के लिए इतना परेशानी है इधर, कोई पूछने भी नहीं आता है कि चलो कुछ मदद करे, चावल गेहूँ थोड़ा, कुछ भी मदद नहीं हो रही है हमारी शिफ्टिंग में। और बाकी हर जगह शिफ्टिंग में मदद होती है, मगर ये शिफ्टिंग में कोई नहीं आता है, देखने भी नहीं आता है। पत्रा उड़ गया, किसी के हाथ पे लगा, किसी के पैर पे लगा, किसी पत्रा पूरा पानी जा रहा है, तुम देख सकते हो अभी भी खोल के दिखा सकती हूँ आपको। लॉकडाउन में आपको कोई कैसे मतलब काम सारा तो बंद हो गया था, तो कैसे आप लोगों ने गुजारा किया? दूसरा कोई कौन आया आपको खाना पानी कोई देने आया? कोई नहीं आया, कोई मदद नहीं की इधर शिफ्टिंग में, मदद कोई नहीं किया हम लोग को। हम लोग कैसे कैसे गुजार रहे हैं, हम लोग फोन से पैसे इधर उधर से इधर उधर उधार गाँव से मंगवा रहे हैं, कैसे भी करके अपना पेट कैसे भी चल रहे हैं। कोई अभी तक मदद नहीं किया, कोई ना मेरा देती ना जोशना ना कोई नहीं। हम लोग बच्चे लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। पूरा घर में पानी पूरा ऐसे तैर रहा है, जैसे लग रहा है कोई बाल्टी बाल्टी निकाल के डाला है पानी। मीरा देवी कौन है, यहाँ की कॉर्पोरेटर? कितने सालों से आप बिता रही हैं? हो गए 5-10 साल चालू है। 15 साल से बिता, 15 साल हो गए। तो हाँ हाँ सब चीज बोलती है, हाँ हाँ करूँगी करूँगी, अभी दूंगी अभी दूंगी, अभी देखे देखे करके देखते देखते 9 साल हो गया। मगर हम लोग क्या करें, अभी उसी पीछे दौड़ेंगे, फिर हम लोग का काम धंधा भी नहीं है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, नाला है, व्यवस्था मतलब यहाँ बहुत ख़राब है। इतना दिन पत्रा पूरा सड़ चुका है, पैर अगर रख दो ना तो पूरा पैर नीचे चला जाएगा, पत्रे के नीचे जाएगा। और यहाँ देख भी सकते हैं रूम कितना पानी है घर के अंदर, बहुत परेशानी थी। अभी हम लोग को बोलो हमारा घर दो, वो बोल रहे थे डेटा में कहीं जाने के लिए देने के लिए। हम लोग को डेटा में नहीं चाहिए, हमारा खुद का घर दो, हम लोग उसी में जाने वाले हैं, बस हम लोग यही मांग करेंगे। अप्रोच जी हमसे अपनी परेशानी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या आपका? अनिता योले। अनिता जी कैसी जिंदगी निकल रही पिछले 9 वर्षों से? बहुत बेकार है, बच्चों के स्कूल के लिए तो बहुत हालत बेकार होती है, कि मेरे बच्चे का स्कूल सुबह रहता है, दोनों जन का दोपहर को रहता है, बहुत हालत बेकार रही थी। तो अभी कुछ ऐसा उम्मीद लग रही है, और क्या लग रहा है आगे क्या करेंगे आप? आगे तो मेरे को कुछ उम्मीद नहीं दिख रहा है, 9 साल में कुछ नहीं किया तो आगे क्या करेंगे? लॉकडाउन में कोई तक इधर कोई तो पूछने तक नहीं आया है, क्या कैसा क्या हाल है, कोई पूछने नहीं आया, सिर्फ हम लोग के नाम लिख के लेके गए, कोई अभी तक 5 किलो चावल के 5 किलो आटा कोई लाके नहीं दिया हमारे घर पर, कोई भी नहीं आया, कोई तक नहीं आया हम लोग को पूछने का तुम लोग का क्या हाल है, कोई 5 किलो चावल के 5 किलो छोड़े 1 किलो भी कोई लाके नहीं दिया घर पर। कब आते हैं नेता लोग? वो जब वोटिंग रहता ना तब आते हमारे पास हाथ जोड़ने। तब आप ये परेशानी नहीं बोलती? बोल के हाँ, उस टाइम बोलते हाँ हम लोग करेंगे, उसके आगे कोई करता नहीं है, हाथ पाँव जोड़ते चले जाते। हम लोगों को ये लॉकडाउन में कोई तक पूछने तक नहीं आया, शिफ्टिंग में कोई देखने तक नहीं आए, इधर शिफ्टिंग में क्या हाल है कोई देखने तक नहीं आया। वोटिंग के टाइम बराबर आते हाथ पाँव जोड़ते, दरवाजा लगाने के लिए मैंने कितना बार नोटिस डाला था कोई नहीं लगाया, फिर रफीक भाई के पास मैंने नोटिस डाला, उसके बाद मेरा दरवाजा लगाया। यहाँ पर मैंने सुना है कि सांप भी आ जाते हैं और बारिश का पानी तो आता ही है, तो मतलब मेरे गली में कम से कम 4-5 रूम का तो पत्रा तो ऐसा ही टूटा है, कोई कुछ किया नहीं है, घर में सबके पानी हो रहा है। मेरा ऐसा नहीं कि मेरा पत्रा टूटा नहीं इसलिए मैं सबका किसी का बताना नहीं, मेरे रूम में सबका गली में किसी ना किसी का पत्रा टूटा है। बनाने कौन आता है? नगर पालिका वाले आते हैं, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते, उनका कोई भरोसा नहीं है, उस दिन आए क्या करके गए कुछ पता नहीं, ऐसा कागज डाला हवा से उड़ जा रहा है, क्या करेंगे। अभी बारिश में तो और ज्यादा परेशानी है, और पहली बार बोला तो रोड का लाइट भी बंद है। अच्छा स्ट्रीट लाइट भी नहीं है? नहीं है, बंद है लाइट, बाथरूम की इधर का भी लाइट बंद है। तो आप लोगों ने कंप्लेंट है? कंप्लेंट करेंगे, हाँ बोलेंगे, बाद में आते ही नहीं है, क्या करेंगे, किसको बोलेंगे, किसको नहीं बोल सकते, हमारे छोटे छोटे बच्चे, रोड का लाइट बंद रहता है, किसको बोलेंगे।
देखते जी, हम तो अभी आप लोगों को परेशानी करते करते बहुत ज़्यादा वर्ष गुजर चुके हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अब आगे प्रशासन से सोई हुई है उठे और आप लोगों के साथ अच्छा हो। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। इस शिफ्टिंग में डोंगरी से यहाँ पर इन्हें शिफ्ट किया गया है। पिछले 9 वर्षों से यहाँ पर रफीक खान है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी वो कुछ वर्षों से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं इस शिफ्टिंग के बारे में। पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये जंगल था, ये जंगल था। यहाँ साल के बाद से रास्ता था, कोई आदमी नहीं आता था, पर जब ये जंगल अंतर्गत जब चालू हुआ, लोगों को वहाँ से हटाया, बोला अपना 9 साल होने आया है, पर इन लोग को एक समझ लीजिए कि अभी ये 9 साल में इन्होंने 179 घर बनाया है, जिसमें भी मेरे ख्याल से मेरी समझ लीजिए कि 170 आदमी हैं, और ये 9 साल से ये लोग जिंदगी ऐसे गुजार रहे। क्योंकि मैं भी इसमें आज 6 साल तक मैं भी यही चाल में रहता था। यहाँ लोगों का ऐसा मतलब एक अगर बोला जाए तो ऐसा जिंदगी गुजार रहे हैं, बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ बाथरूम का भी इतना प्रॉब्लम है कि लेडीज लोग अगर जाती है बाथरूम में तो बाथरूम में अंधेरा रहता है, बाथरूम में यहाँ कई बदमाश से जो है यहाँ आते हैं, जो बाथरूम को छेद कर देते हैं और चैन से बाथरूम का लेडीज को देखते हैं, और उसके बाद इन लोग पानी के लिए इतना परेशान रहते हैं। कई बार कई बार कंप्लेन किया, तब जाके अभी यहाँ पानी आ रहा, और उसके बाद देख सकते हैं कि सबके घरों में पत्रे टूटे हुए हैं और सबके दरवाजे भी टूटे हैं। कई बार कंप्लेन के बाद समझ लो 5-6 साल में उनके दरवाजा चेंज हुआ है, मतलब नर्क से बदतर जिंदगी है शिफ्टिंग वाले काट रहे। मैं 9 सालों से देखते हुए आया, मुझे बहुत अफसोस है कि इस कदर प्रशासन करते, और प्रशासन को जब भी हम बोलते हैं कि सब जब भी शिकायत करते हैं, बोलते कि हम इसके लिए कर रहे हैं, हम उनको चेक करने वाले हैं। 9 साल हो गया अभी तक उनको लाखी घर मिला है, और जो लोगों की परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब अगर इन्हें अपनी एक छत मिल जाए तो गनीमत है, वरना अब खोने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। पिछले 9 वर्षों से प्रशासन ने 2500 लोगों में से 189 घर का ही इंतज़ाम किया है। वहीं इस बस्ती के बगल में ही किसी दूसरे बिल्डर ने देखते ही देखते 2 सालों में एक इमारत खड़ी कर दी है। तो देखा आपने, जिंदगी ऐसी जगह भी पड़ती है, कहीं आपने देखा लोग एसी में भी परेशान है, तो कहीं जिंदगी नाले में, गलियों में, पड़पट्टियों में भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी तरफ भी एक नज़र वो डाले, सिर्फ वो अपने वोटों को लेने के लिए यहाँ पर इनकी तरफ नज़र न डाले। मिलते हैं फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।